नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार। आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल। घर में रहो, सुरक्षित रहो। अब बात करते हैं, अभी साबरकांठा जिले के अंदर एक पॉजिटिव केस फिर से सामने आया है। वो पॉजिटिव केस शायद प्रातिज तहसील का है। उनको अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जो केस सामने आया है 34 वर्ष की महिला है। वो महिला आविष्कार हॉस्पिटल की जो चेपग्रस्त लगा है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। अभी हम जहां खड़े हैं, ये जो विजयनगर तहसील में है, ये भी महिला शायद उन हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, तो उनको भी अभी टेस्ट कराने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर ये एम्बुलेंस भी खड़ी है, आरोग्य विभाग की टीम भी यहाँ मौजूद है। उनको टेस्ट कराने के लिए हिम्मतनगर भेजा जा रहा है। यहाँ पेशेंट को भेजा जा रहा है, वो शायद आपको तस्वीर दिखाई दी होगी। ये जो एम्बुलेंस है वो हिम्मतनगर के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। जो पेशेंट वहाँ आविष्कार हॉस्पिटल में एडमिट था, उनको टेस्ट कराने के लिए अभी हिम्मतनगर भेजा जा रहा है। आपको शायद दिखाई दे होगा कैमरे के अंदर, ये जो एम्बुलेंस है, जो विजयनगर सिविल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, वो जो टेस्ट कराने के लिए हिम्मतनगर अभी रवाना हो चुकी है। उनका रिपोर्ट आने के बाद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ आरोग्य की टीम भी मौजूद है। विजयनगर तहसील की जो फीमेल हेल्थ वर्कर है वो भी आ चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है। पेशेंट को लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं वो हिम्मतनगर जाने के लिए। आप शायद तस्वीर में दिखती होगी, ये जो एम्बुलेंस है, जो पेशेंट था जो आविष्कार हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए वहाँ गया था कुछ दिनों से पहले, लेकिन अभी भी उनको टेस्ट कराने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है हिम्मतनगर के अंदर। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कैमरे के अंदर, रवाना हो चुकी है। आपको कैमरे में दिखती होगी, जो पेशेंट था उनको वहाँ टेस्ट कराने के लिए अभी अभी जो पेशेंट जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में आया है, वो प्रातिज का पेशेंट भी था। इसी तरह का वो भी एक आविष्कार हॉस्पिटल में था, चेपग्रस्त लगा, इसे अनुमान किया गया है। ये जो एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है यहाँ से हिम्मतनगर जाने के लिए। विजयनगर से संवाददाता हर्षद कुमार की रिपोर्ट।